जाओ, तुझे चोच खुद की बीमारी है। अरे यार पहले इसकी धोती वगैरह उठा के फेंको, उसके बाद ही इस कमरे से गंदगी चली जाएगी। ये ले तेरा धोती और ये ले तेरा टॉवल। अरे क्या कर रहे हो? ये तेरा शर्ट है, ये सब लेकर कहीं बांध। अरे तुझे जो सामान दे दे। ये लेके जा। क्या हो गया आप लोगों को, क्यों उनके कपड़े वगैरह बाहर फेंक रहे? ऐसी क्या गलती होगी इनसे, बोलिए। ताज्जुब की बात है यार, हमसे बात भी नहीं करती, हम कौन है पता नहीं इसे, यहाँ तक कि राणा को भी नहीं जानती, और वही तैयारी कर रही इसकी। यही ना, इस बंदे की एड्स की बीमारी हो गई। इनके कपड़ों को या राणा को? बात यह है कि राणा को एड्स है, इतना बड़ा कमीना है ये, हमने सोचा ही नहीं, गलती हमारी थी। इन्हें एड्स है ये मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? राणा का जिस डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया वो मेरा दोस्त थे, कल मेरी अचानक उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि राणा को एड्स है। मगर आप काम कहाँ करती हैं? मैं कहाँ काम करती हूँ कोई नहीं जानता, दरअसल मैं भारत सरकार के एड्स कंट्रोल बोर्ड में काम करती हूँ और इसलिए मुझे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है। वैसे एड्स एक नाइलाज बीमारी है और हम लोग उसी का प्रचार करते आ रहे हैं, हम लोग आम जनता को बताते हैं कि एड्स किन कारणों से होता है। एड्स की बीमारी कैसे आती है मुझे अच्छी तरह मालूम है, इस एड्स से पीड़ित कुत्ते को हमने घर से बेघर कर दिया है, इसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने दो। मेरी बात सुनिए, शारीरिक संबंध रखने से ही एड्स होना जरूरी बात नहीं है, कभी कभी डॉक्टर की गलती से भी एक पेशेंट को एड्स हो सकता है। डॉक्टर अपनी गलती की वजह से या बिना सोचे समझे अगर एक पेशेंट पे इस्तेमाल करी हुई सिरिंज अगर किसी और पे इस्तेमाल करे तो उसके रक्त की कृमियां इस पेशेंट के बदन में आराम से प्रवेश कर जाती है। और एक बार ध्यान से सुनिए, हमारी भारत सरकार देश के कोने कोने में एड्स के रोकथाम का प्रचार कर रही है। अच्छा, एड्स के मरीज को धुतकाना नहीं चाहिए, हम लोगों को ये करना है कि हमें उनके साथ प्यार से पेश आना है, प्यार ही सबसे बड़ी दवा है, हम लोग उनके साथ बैठ के खा सकते हैं, इससे एड्स होने का कोई डर नहीं है। एड्स के मरीज के साथ प्यार से पेश आइए, ये मेरी आप लोगों से विनती है। रोग से नफरत कीजिए मगर रोगी से नहीं, अगर आप लोग वाकई में एड्स को रोकना चाहते हैं तो मेरी एक बात सुनिए। बताइए। संभोग के वक्त मिर्च का इस्तेमाल करना कभी मत भूलिए और हफ्ते में आप अपना ब्लड टेस्ट एक बार जरूर कराइए।